मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के साथ निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसके बाद भी राजनीतिक बयानों की झड़ी लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। जनता ये भी जानती है कि चुनाव के समय कौन गारंटी देता है। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लोकसभा चुनाव के लिए चार चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब तीन चरणों की वोटिंग बची हुई है, लेकिन इस वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जनवादी पार्टी ने सपा से अपना नाता तोड़ लिया। इसका ऐलान जनवादी पार्टी ने वाराणसी में मंगलवार को किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में पार्टी प्रत्याशी किशोरी लाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेठी से राहुल गांधी के हारने के बाद यहां के सभी विकास कार्य खत्म हो गए। प्रियंका गांधी अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अब लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, जिसकी वजह मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की भतीजी नुसरत अंसारी दोनों का पर्चा दाखिल किया जाना है। अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी दोनों ने 13 मई को नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रयागराज के जिला अदालत में वफादारी से मारपीट करने और न्यायिक अधिकारी से दुर्व्यवहार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वकीलों की अदालत में एंट्री पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर निशाना साधा। रैली के दौरान अमित शाह ने दावा किया कि 380 में से पीएम मोदी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल पर बदसलूकी के आरोप मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार मीडिया इंटरव्यू में कुछ टिप्पणियों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन के बयान को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि IMA अध्यक्ष ने वही किया है जो पतंजलि के संस्थापकों ने किया था। उन्होंने उनके रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यूपी रोडवेज की वॉल्वो और स्कैनिया बसें बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। प्रदेश में 175 की जगह सिर्फ 17 बसें चल रही हैं। लखनऊ में वॉल्वो की 10 बसें चल रही हैं, जबकि एक भी स्कैनिया बस संचालित नहीं हो रही है। वॉल्वो और स्कैनिया ऐसी बसें यात्रियों की पसंदीदा हुआ करती थी, लेकिन अब यात्री निजी बसों को पसंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मंगलवार को अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत का श्रेय मंडी के लोगों को दिया। कंगना के मुताबिक ये मंडी के लोगों का प्यार है जो उन्हें वापस उनके गृह राज्य ले आया। साथ ही उन्हें उम्मीद जताई कि वो राजनीति में भी उसी तरह अपनी पहचान बनाएंगी जैसे कि उन्होंने फिल्मों में बनाई है।